हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक एंड एफएक्स। और आज के इस वीडियो में हम रिपीटर मॉडिफायर को कवर करने वाले हैं और इस रिपीटर का यूज करके हम कुछ इस तरीके के एनिमेशन क्रिएट करेंगे। आपने ओल्ड टाइम में जो कीपैड वाले हमारे फोन्स होते थे उसमें कुछ जो चार्जिंग का प्रोसेस होता था वो कुछ इस तरीके से विजुअली अपीयर होता था हमारे फोन्स में। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे रिपीटर मॉडिफायर ऐड करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है जानना एक रिपीटर ऐड करने से पहले, ओके। तो जब हम नॉर्मल कोई शेप ड्रॉ करते हैं उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज में आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास होता है एक कॉन्टेंट। कॉन्टेंट के अंदर हमारे पास वो शेप्स होती हैं जो कि हमने इसमें ऐड की होती हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल के नेम से एक ग्रुप है जिसके अंदर रेक्टेंगल पाथ है, मीन्स वही हमारी शेप है। और यहाँ पे फिल है, स्ट्रोक अभी हमने ऑफ किया हुआ है लेकिन है, हम यहाँ से अगर इनेबल करेंगे तो स्ट्रोक यहाँ पे इनेबल हो जाएगा, ओके। तो ये प्रॉपर एक ग्रुप है रेक्टेंगल वन के नाम से। तो हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ट्रांसफॉर्म है रेक्टेंगल का, है ना, ट्रांसफॉर्म रेक्टेंगल वन। मीन्स ये ट्रांसफॉर्म वर्क करेगा जस्ट हमारे इस रेक्टेंगल वन यानी कि इस ग्रुप पे। इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, यहाँ पे रेक्टेंगल है, स्ट्रोक है, फिल है ना, तो इन सभी ऑब्जेक्ट्स पे ये ट्रांसफॉर्म वर्क करेगा। दूसरा हमारे पास यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म और है। ये वाला ट्रांसफॉर्म जो वर्क करेगा वो हमारी इंटायर लेयर पे वर्क करेगा, वो हमारी पूरी लेयर पे वर्क करेगा। अगर हम इस लेयर में और भी ग्रुप्स ऐड करते हैं, कोई इलिप्स ऐड करते हैं या कोई और रेक्टेंगल ग्रुप ऐड करते हैं तो ये उन सब पर वर्क करेगा, ओके। तो लास्ट टाइम हमने देखा था जब भी मैं कोई मॉडिफायर ऐड कर रहा था तो मैं यहाँ पे ग्रुप के अंदर जाके उसको ऐड कर रहा था। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा जब आप रिपीटर यहाँ पे ऐड करें तो इस ग्रुप के बाहर आके यानी कि हमारे कंटेंट को आप सेलेक्ट करें और यहाँ पे ऐड में जाके आपको रिपीटर ऐड करना है। अब इससे होगा क्या, इससे ये रहेगा कि सबसे पहले हमारे पास ये ग्रुप है और इस ग्रुप का जो ट्रांसफॉर्म है ये उसके ऊपर ही है ना। यहाँ पे हम इस ग्रुप के ट्रांसफॉर्म को मैनेज कर लेंगे। अगर मैं इस रिपीटर को भी इसमें ऐड करता तो ये रिपीटर और उसका ट्रांसफॉर्म यानी कि ये ट्रांसफॉर्म रिपीटर, हम जब रिपीटर ऐड करते हैं उसमें भी उसका एक पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्म होता है, तो वो ट्रांसफॉर्म हमारे इस ग्रुप के ट्रांसफॉर्म के ऊपर होता, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है हैंडल करना। आपके ऊपर डिपेंड करता है लेकिन मैं इसीलिए थोड़ा सा सजेस्ट कर रहा हूँ कि ताकि ये आपके लिए इजी रहे, ओके। तो मैंने यहाँ पे एक रिपीटर ऐड किया है, मैं इस रिपीटर को ऑफ करता हूँ तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि हमारी एक्चुअल शेप है। मैंने रिपीटर को यहाँ पे इनेबल किया तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने रिपीटर को यहाँ पे इनेबल किया तो इस शेप का साइज आपको यहाँ पे बड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि ये एक शेप्स की कुछ कॉपीज इसने यहाँ पे क्रिएट कर दी है। ये अब सिर्फ एक शेप नहीं है, यहाँ पे इस रिपीटर ने उसको रिपीट किया है कितने टाइम्स, बाय डिफॉल्ट ये किसी भी ऑब्जेक्ट की 3 कॉपीज करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको 0 करूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा मेन शेप था जो हमने ड्रॉ किया था वो भी यहाँ से जा चुका है, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से 3 कर देता हूँ। और अब आपको सबसे पहले करना क्या है, हमने यहाँ पे रिपीटर ऐड किया, उसके बाद हमको यहाँ पे सबसे पहले जाना है अपने इस ग्रुप वाले ट्रांसफॉर्म में, ये ट्रांसफॉर्म रेक्टेंगल वन, ओके। अब यहाँ पे जाके हमको इसकी पोजिशन को 0 0 कर देना, एक्स और वाई वैल्यू इस पोजिशन की हमको 0 कर देनी है, ओके। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे इस रिपीटर के ट्रांसफॉर्म को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं इस पोजीशन को इंक्रीज करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जितनी भी कॉपीज हमने क्रिएट की हैं वो इंडिविजुअली हमको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी पोजीशन को थोड़ा सा इंक्रीज किया है। अब रिपीटर ट्रांसफॉर्म में जो पोजीशन होती है वो वर्क कैसे करती है, अब सपोज मैं इस पोजीशन की एक्स वैल्यू को यहाँ पे 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपीज तो 3 ही हैं, है ना, जो कि ऑलरेडी हो रखी हैं हमारे पास, 3 कॉपीज हैं वो अभी भी 3 ही हैं, लेकिन वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, वो सिक्वेंसली एक दूसरे के ऊपर हैं, तो इसलिए हमको जस्ट एक ही दिखाई दे रही है। अब जैसे ही मैं इसकी पोजीशन को थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा तो आप देख रहे हैं कि राइट साइड में मूव होना स्टार्ट हो गई है। तो बेसिकली ये जो पोजीशन है ये पोजीशन आपकी उन कॉपीज के बीच के स्पेस को यहाँ पे मैनेज करता है, यानी कि ट्रांसफॉर्म का जो रिपीटर होता है उससे आप अपनी कॉपीज के बीच का स्पेस मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ये कॉपीज के नीचे आपको एक ऑफसेट का वैल्यू मिलता है, ठीक है। अब सपोज मैंने यहाँ पे 7 कॉपीज इसकी की, ओके, मेरे पास 7 कॉपीज आ गई हैं, लेकिन सारी की सारी वो राइट साइड में है, मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में रहे, मीन्स
अगर मैं यहाँ पे 7 कॉपीज मैंने जनरेट की हैं, तो जो हमारी मेन शेप है उस मेन शेप के लेफ्ट हैंड में 3 कॉपीज होनी चाहिए और राइट हैंड में 3 कॉपीज होनी चाहिए। ओके, तो उसके लिए हमको क्या करना है, जितनी भी कॉपीज हमने यहाँ पे की है, सपोज 7 है और 7 से एक हमको हटा देनी है क्योंकि एक तो हमारी मेन शेप है, तो 7 - 1 = 6 और अब 6 का हाफ 3 है ना, तो जितनी भी हम यहाँ पे कॉपीज करेंगे या तो उसका हाफ या उसके हाफ से एक कम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ -3। -3 करते ही क्या हुआ कि जो हमारी मेन शेप थी उसके लेफ्ट में 3 कॉपीज आ गई और उसके राइट में 3 कॉपीज आ गई। अब अगर मैं इन कॉपीज के बीच का गैप मैनेज करना चाहूं तो वो यहीं से कर सकता हूं। ठीक है, ओके। अब जो वैल्यूज हमने अभी तक देखी हैं उनका यूज करके हम एक एनिमेशन क्रिएट करते हैं। आपने ओल्ड टाइम में देखा होगा कि हमारे पास जो कीपैड वाले मोबाइल्स होते थे उसमें जो बैटरी चार्ज होने का एक विजुअल्स होता था, तो उसको क्रिएट करने का हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। ओके, मैंने यहाँ पे एक बैटरी का आइकन बना के रखा हुआ है और साथ ही मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की हुई है। ठीक है, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है, जस्ट हमारे पास यहाँ पे स्ट्रोक है और मैं इस स्ट्रोक को कर देता हूँ अराउंड 50। ओके, और उसके बैकग्राउंड में एक लेयर है जिसपे कि मैंने इस बैटरी वाले आइकन को डिजाइन किया हुआ है। मैं आपको इसको हाइड करके दिखाता हूँ। तो ये वाला हमारा एक अलग शेप है जिसमें हमने 50 पिक्सल्स का स्ट्रोक रखा है, फिल हमारे पास नहीं है। और दूसरी जो हमारे पास शेप लेयर है उस शेप लेयर में यहाँ पे हमारा एक आइकन है बैटरी का। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अपने इस शेप लेयर वाली लेयर में जाके यहाँ पे कंटेंट में जाके एक रिपीटर ऐड करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे रिपीटर ऐड किया, आप देख रहे हैं कि मेरे पास बाय डिफॉल्ट 3 कॉपीज यहाँ पे आ गई। अब मैं यहाँ पे अपने विजुअल के अकॉर्डिंग इसकी कॉपीज को इंक्रीज करूंगा। सो मैं कुछ यहाँ पे 9 कॉपीज लेता हूँ और मैं इन लाइंस के बीच का जो गैप कम करूंगा उसके लिए मुझे जाना होगा इस ट्रांसफॉर्म रिपीटर में, यानी कि जो रिपीटर वाला ट्रांसफॉर्म होता है उसमें। और यहाँ पे मैं पोजीशन को थोड़ा सा मैनेज करूंगा अकॉर्डिंगली। मैंने यहाँ पे रखा है समथिंग 74। अगर आप इस डिजाइन से रिलेट कर पा रहे हैं तो आपको याद आ गया होगा कि जब हमारा फोन फुल्ली चार्ज होता था तब वो कुछ इस तरीके का विजुअल अपीयर करता था। ओके, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रेम पे जाएंगे और यहाँ पे कॉपीज पे एक की फ्रेम लगाएंगे। अब मैं लगभग 2.5 सेकंड पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं दूसरा की फ्रेम लगाऊंगा और फर्स्ट की फ्रेम पे आके मैं इसकी वैल्यू कर दूंगा 0। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं। ओके, तो इस तरीके से हमने ये एनिमेशन क्रिएट कर लिया है। आई होप कि आप इसको रिलेट कर पाए होंगे अगर आपने वो कीपैड वाला फोन भी यूज किया है तो। अब हम नेक्स्ट वैल्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि हमने यहाँ पे 7 कॉपीज क्रिएट की थी और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसकी पोजीशन को करता हूँ 0। ओके, और इस लेयर के एंकर पॉइंट को इसके सेंटर में यहाँ पे मैं अरेंज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऑफसेट को मैं करता हूँ 0। पोजीशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू होती है स्केल की। अब सपोज मैं स्केल को यहाँ पे डाउन करता हूँ, मैंने यहाँ पे 85 किया। अब इसका क्या मतलब है, मैंने यहाँ पे जस्ट एक वैल्यू ऐड की है 85। ये 100 था, मैंने इसको 85 कर दिया। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जितनी कॉपीज हैं उन सब कॉपीज का साइज यहाँ पे डिफरेंट है। उसका रीजन क्या है, ये कैसे वर्क करता है? तो हमारा जो मेन शेप है वो है ये फर्स्ट वाला। ओके, अब अगर मैंने यहाँ पे 100 किया तो मेरी मेन शेप के साथ बाकी सारी कॉपीज का स्केल भी 100 ही है। अब मैं इस स्केल को यहाँ पे 90 कर देता हूँ। तो इसने क्या किया है कि मेन शेप के बाद जो फर्स्ट शेप यहाँ पे आ रही है उसका साइज मेन शेप के साइज से 90% कर दिया, यानी कि 10% कम कर दिया। सेम नेक्स्ट जो शेप है उस शेप का साइज इसने फर्स्ट कॉपी के साइज से 10% कम कर दिया। उसके आगे जो शेप है उसने अपने लेफ्ट वाली शेप के साइज से 10% यहाँ पे कम कर दिया। मीन्स मैं जितना भी यहाँ पे कम करूंगा, अगर मैं यहाँ पे सपोज 70 कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी मेन शेप है उससे 30% कम फर्स्ट कॉपी का साइज है और फर्स्ट कॉपी से 30% कम हमारे सेकंड कॉपी का साइज है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे 1 and 15 कर देता हूँ, यहाँ पे ये ओवरलैप कर रही है क्योंकि स्केल अप हो गया है, तो मैं इसकी पोजिशन भी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो इसने क्या किया है, हमारी मेन शेप के 15% एक्स्ट्रा इसने फर्स्ट कॉपी को यहाँ पे स्केल अप किया है और उसके 15% इसने सेकंड कॉपी को यहाँ पे स्केल अप किया है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है और आप इन वैल्यूज पे की फ्रेम लगा के इनको कुछ इस तरीके से एनिमेट भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे होती है रोटेशन। ठीक है, मैं स्केल को यहाँ पे करता हूँ 100 और पोजिशन को भी यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करता हूँ। मैंने कुछ इस तरीके से इसको अरेंज कर लिया है और अब मैं ट्रांसफॉर्म रिपीटर में जाता हूं। ध्यान रहे, जब भी मैं ट्रांसफॉर्म रिपीटर बोल रहा हूं तो मैं रिपीटर वाले ट्रांसफॉर्म में यहां पे हूं।
अब सपोज मुझे इन शेप्स का यूज करके एक सर्कल बनाना है, उसके लिए मुझे इनको रोटेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम बेसिकली करते क्या है, यहाँ पे हम डालते हैं 360 का हमारा एक पूरा सर्कल होता है, ठीक है। यहाँ पे 360 डिग्री डिवाइड बाई हाउ मेनी कॉपीज आर देयर, यहाँ पे हमने 7 कॉपीज रखी है तो मैंने यहाँ पे 7 डाला। आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखना, मीन्स मेरे पास यहाँ पे 7 कॉपीज हैं और एक सर्कल का जो पूरा रेडियस होता है वो होता है 360, है ना। और मेरे पास यहाँ पे 7 कॉपीज हैं तो मैं देखूं तो यहाँ पे मुझको 51.42 समथिंग डिग्री का एक शेप के लिए रेडियस मिलेगा। ओके, मैं आपको और थोड़ा सा इजी वे में यहाँ पे समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कर दिया 45, ओके, और इसकी पोजिशन को मैंने कुछ इस तरीके से अरेंज कर लिया और यहां पे मैंने रोटेशन में इसको 45 किया है। तो अब इसने क्या किया है, जैसे ये स्केल पे वर्क कर रहा था कि पहला जो शेप है उसका 100 स्केल, अगर मैंने उसको 100 की जगह 110 कर दिया तो नेक्स्ट शेप का जो साइज होगा वो फर्स्ट शेप से 10% ज्यादा होगा, अगेन अगली शेप का सेकेंड शेप से 10% ज्यादा होगा। तो इस तरीके से वर्क करता था, अभी भी ये ऐसे ही वर्क कर रहा है। मैंने यहाँ पे 45 डिग्री रोटेशन रखा हुआ है तो हमारी जो मेन शेप है उसका जो एंगल है वो सेम ही है, वो रोटेट नहीं की है, लेकिन जो नेक्स्ट शेप है जो इसने फर्स्ट कॉपी क्रिएट की है वो यहाँ पे 45 डिग्री रोटेट की है राइट में। 45 डिग्री अपने मेन जो हमारी फर्स्ट शेप है उसके 45 डिग्री फर्स्ट कॉपी, ठीक है, और इस फर्स्ट कॉपी के 45 डिग्री यहाँ पे सेकंड कॉपी रोटेट की है, देन इस सेकंड कॉपी के 45 डिग्री ये थर्ड कॉपी यहाँ पे रोटेट की है और थर्ड कॉपी के 45 डिग्री यहाँ पे ये फोर्थ कॉपी रोटेट की है। इसी तरीके से ये एक सिक्वेंस बना हुआ है। तो आप जब भी किसी शेप, चाहे वो रेक्टेंगल हो या इलिप्स हो या पॉलीगन स्टार शेप हो, कोई भी शेप हो, जब भी आप शेप्स का यूज करके एक सर्कल क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं फिर से आपको यहाँ पे बता देता हूं। मैं रोटेशन को यहाँ पे करता हूँ 0। आपको पहले कितनी कॉपीज रखनी है वो डिसाइड करना है, उसके बाद आपको रोटेशन में आना है और यहाँ पे आके आपको टाइप करना है 360 डिवाइड बाई जितनी आपके पास कॉपीज हैं। मेरे पास यहाँ पे 7 कॉपीज हैं, मैंने 7 किया और एंटर कर दिया। ओके, फर्स्ट काम हमारा ये हुआ। उसके बाद हमको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म रिपीटर में ही पोजिशन को 0 कर देना है। मैं इसको कुछ यहाँ पे अरेंज कर लेता हूं ताकि आपको दिखाई देता रहे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने इस पोजीशन को 0 कर दिया और 0 करते ही ये कुछ इस तरीके से हो गया है। अब हम जाएंगे अपने रेक्टेंगल 1 का जो हमारा ट्रांसफॉर्म है इसमें। अब यहाँ पे मैं इस पोजीशन को जैसे ही मॉडिफाई करूंगा तो आप यहाँ पे चेंजेस देख सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे एक्स वैल्यू को मैनेज किया है तो एक्स वैल्यू को जब मैं यहाँ पे एडिट कर रहा हूं इस तरीके से मुझे यहाँ पे एक शेप क्रिएट करके दे दिया है। अब मैं एक्स वैल्यू को करता हूं यहाँ पे 0। अगर मैं यहाँ पे बाई वैल्यू को एडिट करता हूं तो आप देख रहे हैं कि इसने यहाँ पे एक सर्कल में अपनी सारी कॉपीज को मैनेज कर लिया है। आई होप आपको बेसिक तो क्लियर हो गया होगा रोटेशन का, फिर भी ज्यादा कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। मैं एक बार फिर से आपको दूसरी शेप के साथ यहाँ पे क्लियर करता हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इलिप्स ड्रॉ करता हूं स्मॉल साइज का और मैं इस इलिप्स को अपने कॉम्पोजिशन के सेंटर में रखता हूं। अब मैं यहाँ पे कॉन्टेंट में जाके एक रिपीटर एड करता हूं। सबसे पहले मैं इलिप्स में गया, ट्रांसफॉर्म इलिप्स में, और यहां पे मैंने पोजीशन को 0-0 कर दिया। अब मैं रिपीटर में गया और मैं यहां पे डालता हूं लगभग 15 कॉपीज। ओके, फिर मैं ट्रांसफॉर्म रिपीटर में गया और यहां पे पोजीशन को कर देना 0, ठीक है। पोजीशन 0 करते ही हमारी सारी कॉपीज एक दूसरे के पीछे अरेंज हो गई है, ठीक है। अब यहां पे मैंने आपको रोटेशन के लिए बताया था कि 360 डिवाइड बाई हाउ मेनी कॉपीज आर देयर, लेकिन यहाँ पे एक और आसान तरीका है। सपोज अभी मैं क्या करता हूं, अभी अगर मैंने यहाँ पे किया 360 डिवाइड बाई 15, ओके, यहाँ पे कर दिया मैंने, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मुझे बाद में यहाँ पे शेप्स को कम या ज्यादा करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रांसफॉर्म इलिप्स में गया और यहाँ पे मैंने इस पोजिशन को किया कुछ इस तरीके से, ठीक है, मैंने यहाँ पे पोजिशन को किया तो इन्होंने सारे इलिप्स ने मिलके एक यहाँ पे डिजाइन क्रिएट किया है। और अब मैं जाता हूँ यहाँ पे ट्रांसफॉर्म रिपीटर में। अब सपोज मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे 15 कॉपीज नहीं चाहिए, मुझे 13 कॉपीज चाहिए या 17 कॉपीज चाहिए, ओवरऑल मुझे यहाँ पे इन कॉपीज को एडिट करना है। तो जब मैं यहाँ पे इन कॉपीज को एडिट करूंगा, सपोज मैंने यहाँ पे 18 कर दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ भी एडिट नहीं हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ प्रॉपर वैसे ही है, क्योंकि हमने यहाँ पे रोटेशन को 15 कॉपीज के अकॉर्डिंग मैनेज किया हुआ है। तो एक यहाँ पे एक ऐसा तरीका है जिससे अगर हम
अपनी कॉपीज को एडिट भी करें तो भी हमको बार बार रोटेशन को यहाँ पे चेंज करने की नीड ना पड़े। उसके लिए हम यहाँ पे रोटेशन वैल्यू पे एक एक्सप्रेशन अप्लाई करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं ओल्ट को होल्ड करता हूं अपने कीबोर्ड से, हालांकि एक्सप्रेशंस को हम बाद में बहुत डीपली समझेंगे, अभी के लिए मैं आपको जस्ट एक एक्सप्रेशन बता रहा हूं। मैंने अपने कीबोर्ड से ओल्ट होल्ड किया और रोटेशन के लेफ्ट में जो वॉच आइकन है इस पर क्लिक किया। अब राइट साइड में जो हमारा ये आपको कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट दिख रहा है, यहाँ पे हम अपने एक्सप्रेशंस को टाइप करते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे टाइप करना है 360 डिवाइड बाय, और अब यहाँ पे इस रोटेशन वाले पिकविक को पकड़ के मुझे कॉपी से लिंक कर देना है, देन एंटर। अब आप देखना मैं यहाँ पे इन कॉपीज को एडिट करता हूं, देख रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे बार बार रोटेशन को एडिट करने की नीड नहीं है, मैं जस्ट यहाँ पे अपनी कॉपीज को एडिट करूंगा और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रोटेशन एडिट हो जाएगी। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा एनिमेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट फ्रेम पे गया और ट्रांसफॉर्म इलिप्स में जाके मैंने पोजिशन पे एक की फ्रेम लगाया और एक की फ्रेम मैंने यहाँ पे स्केल पे लगाया, और मैं यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड पे गया, मैंने एक एक की फ्रेम यहाँ पे लगाया और यहाँ पे मैंने स्केल को कर दिया 0। ओके, फिर मैं इन दोनों की फ्रेम्स के बीच में गया और यहाँ पे मैंने स्केल को कर दिया 120। ओके, मैं फर्स्ट फ्रेम पे गया और यहाँ पे मैंने स्केल को कर दिया 0। ठीक है, फिर मैं फर्स्ट फ्रेम पे गया और यहाँ पे सबसे पहले मैंने इस पोजीशन को थोड़ा सा कुछ इस तरीके से अरेंज किया, ठीक है, और इसके बाद अब मैं क्या करूंगा, स्केल को यहाँ पे कर दूंगा 0। अब मैं इन सारे की फ्रेम्स को सेलेक्ट करूंगा, F9 प्रेस करूंगा और मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं। ओके, मुझे इसका स्पीड थोड़ा ज्यादा लग रहा है, उसके लिए मैं इन सारे की फ्रेम्स को सेलेक्ट करूंगा, कीबोर्ड पे ओल्ट होल्ड करके रखूंगा और सबसे राइट वाले की फ्रेम को पकड़ के लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा। ओके, अब मैं क्या करूंगा कि इस लेयर को सेलेक्ट करूंगा और इसका एक डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करूंगा और मैं यहां पे 5 frames आगे जाऊंगा और मैं 5th frame पे अपनी सेकेंड कॉपी को यहां से अलाइन कर दूंगा। अगेन मैंने एक और डुप्लीकेट लेयर क्रिएट की और 5 frames आगे जाके मैं इस लेयर को यहां पे अलाइन कर दूंगा। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं। देखा आपने कितना कूल सा एनिमेशन हमने बड़े इजीली क्रिएट कर लिया। ओके, अब मैं यहां पे इन दोनों लेयर्स को करता हूं और जो कुछ वैल्यूज यहां पे बची हुई हैं रिपीटर की वो मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। तो हमारे पास ट्रांसफॉर्म रिपीटर में दो वैल्यूज और बची हुई हैं, एक है स्टार्ट ओपेसिटी और दूसरी है एंड ओपेसिटी। अगर मैं स्टार्ट ओपेसिटी को यहां पे कम करता हूं तो आप देखेंगे कि सपोज मैंने यहां पे स्टार्ट ओपेसिटी को 0 ही कर दिया तो जो हमारा मेन यानी कि फर्स्ट हमारा ओरिजिनल इलिप्स था यहां पे उसकी ओपेसिटी 0 हो गई है और धीरे धीरे ये ग्रेजुअली बढ़ते हुए यहां पे एंड यानी कि लास्ट पॉइंट पे जो हमारा इलिप्स है उसकी ओपेसिटी यहां पे 100% है। ओके, इस तरीके से ये स्टार्ट ओपेसिटी वर्क करती है। इसका ठीक अपोजिट एंड ओपेसिटी वर्क करती है। अगर मैं एंड ओपेसिटी को यहां पे 0 करता हूं तो आपने देखा कि जो हमारा लास्ट वाला इलिप्स था उसकी यहां पे ओपेसिटी काफी डाउन हो गई है और बाकी जो हमारा फर्स्ट वाला जो हमारा मेन इलिप्स था वो यहां पे 100% ओपेसिटी पे है। इनका यूज करके भी हम काफी कूल एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं यहाँ पे इनको एनिमेट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हम रिपीटर पे और भी वीडियोस लेके आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा सपोज हमने यहाँ पे इस तरीके से इलिप्स का यूज करके एक डिजाइन क्रिएट कर लिया है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस रिपीटर के नीचे एक और रिपीटर ऐड करेंगे और इस रिपीटर में यहाँ पे कॉपीज को कर देता हूँ 5। अब इसने क्या किया कि इसकी 5 copies यहाँ पे क्रिएट करके दे दी हैं। अब हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म रिपीटर 2 में जाएंगे और यहाँ पे इसकी पोजीशन को कर देंगे 0। ओके, अब हमको सिर्फ एक ही डिजाइन दिखाई दे रहा है क्योंकि बाकी सारे डिजाइन यहाँ पे ओवरलैप हो चुके हैं। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, इस स्केल के साथ प्ले करना है। मैं यहाँ पे करता हूँ स्केल को डाउन, आप देख रहे हैं अनबिलीवेबल कितना कूल सा डिजाइन यहाँ पे क्रिएट हो गया है। आप अगर कोशिश भी करेंगे ना तो भी बिना रिपीटर की मदद के इस लेवल का डिजाइन क्रिएट नहीं कर पाएंगे, और अगर करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रिपीटर कैसे वर्क करता है, क्या क्या यहाँ पे प्रॉपर्टीज होती हैं और उन प्रॉपर्टीज का यूज आप किस तरीके से कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप रिपीटर का यूज करके कोई एनिमेशन क्रिएट करते हैं तो आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट करना और मुझे टैग करना। मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप मुझको वहां पे फॉलो कर सकते हैं और अपना काम मुझे टैग कर सकते हैं।
और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी हमको सपोर्ट करें ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहें। सो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।